वेलकम टू कावेरी की किचन। आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला सोयाबीन। आज हम बनाएंगे सोयाबीन। तो ऑयल डालियो अभी इसमें फ्राई करने के लिए सोयाबीन को। ज्यादा ऑयल अभी ये जो है एक प्याले तक की मैं इसको भिगा के रखी थी 10 मिनट। इसके बाद इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा फ्राई हो गया जो हम भिगा के रखे थे उसमें। अब ऐसे दबा के देखेंगे तो इसमें पानी नहीं निकल रहा है, यानी ये परफेक्ट फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैं कम ऑयल में बना रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा ऑयल ले सकते हो। अब इसमें डालेंगे सूखी मिर्च, जीरा और दालचीनी और इलायची। इसको थोड़ी सी भूनने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज जो हम बारीक काट के रखे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन जो कूटी हुई है। इसमें गोल मिर्च, जीरा और अदरक लहसुन है, थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा मसाला नहीं है इसमें। इसमें लिए दही और उसमें डाल रहे हल्दी। अब हल्दी अपने हिसाब से लेना है, फिर उसमें मिर्च जाएगा अपनी टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा तीखा आप कर सकते हो। इसमें डालें मिर्ची और डालेंगे धनिया की टुकड़ी जो 2 चम्मच। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक ऐड नहीं करेंगे, नमक को हम बाद में ऐड करेंगे। अभी प्याज और अदरक लहसुन जो भून चुका है, अभी इसमें हम डालेंगे जो मिक्स करके रखे थे वो। अभी इसको अच्छे से हम भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट होने ना लगे, तब तक हमें इसको भूनना है। अभी ये पूरा तेल सेपरेट होने लगा। अभी इसमें हम डालेंगे जो ये फ्राई करके रखे थे सोयाबीन को, अब इसके साथ इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने स्वाद के हिसाब से। इसको अच्छे से भूनना है 1 से 2 मिनट तक के, मसाला जो अंदर जाए पूरा। अब इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे जो मसाला पूरे अंदर तक अच्छे से जाए। इसको भूनने के लिए ये पानी को हमने ऐड किए। अभी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर वो हम डालेंगे। उतारने से 1 मिनट पहले हमें इसको डालना है। अभी आप देख सकते हैं इसमें एकदम पानी नहीं है, ऑयल सेपरेट हो गया, तो इस टाइम में हमें थोड़ी सी पानी और डालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, गरम करके लेंगे। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं पूरा मेरा रेडी हो गया। थोड़ी सी मैं ग्रेवी ज़्यादा रखी हूँ क्योंकि हमें जब खाना खाएंगे तो ये सोख लेगा। तो अभी जिन लोग मतलब जो बैचलर लोग हॉस्टल वाइज है जो लोग रहते उनको झटपट बनने के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाएगा।